बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान मद शाहिद इकबाल। अपने चैनल में वेलकम और शामदीद कहता हूँ दोस्तों। एक और अहम बड़ी अपडेट आप साथ शेयर करें। रात गए NCOC ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें उन्होंने 15 ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी है। क्या यूके भी उसमें शामिल होने जा रहा है या नहीं है? वीडियो आगे बढ़ने से मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। उससे पहले आप लोगों को सर्च करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अभी अभी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तमाम लोग इस चीज़ से आगाह जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, स्क्रीन पर भी कुछ आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में यूके भी आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने 15 कंट्रीज़ पर जो बैन लगाया उनसे आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? तो ओमी के कोरोना के खदशात बढ़ती हुई पाकिस्तान ने 15 मालिक पर दाखिल की पाबंदी आयद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि खतरे के पेश नज़र हाईलैंड समेत तमाम मजीद ओमिक्रोन के नए वेरिएंट इस्लामाबाद पाकिस्तान ने जो है 8 ममालिक पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के काम ने कुल 15 ममालिक से आने वाले मुसाफिर के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। और पाकिस्तान के आला अदारे ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका, नैदरलैंड, हंगरी, आयरलैंड, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, वियतनाम, पोलैंड, मोजाम्बिक, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बोस्टोना, जिम्बाब्वे और नेबिया से बर रास्त में सी या बिलावास अंदरूनी मुसाफर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिन ममालिक को कैटेगरी में रखा गया है वो उन पर फौरी तौर पर अमल भी शुरू हो गया है। अहकाम के मुताबिक जो मुसाफिर पिछले 3 हफ्ते में इन 15 ममालिक में से किसी में भी गए हैं तो उन पर भी जनूबी एशियाई ममालिक में दाखिले के लिए पाबंदी होगी। ये पेशरफ उस वक्त सामने आई जब NCOC ने अहकाम ने कोविड की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए असद उमर की सदारत में एक इजलास बुलाया। NCOC ने मजीद कहा है कि कैटगरी सी ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी और ममालिक से ज़रूरी सफ़र खसूसी कमेटी से इस्तिस्ना का सर्टिफिकेट हासिल भी करना होगा। दरअसना पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन भी लाजमी होगी, जबकि 6 साल से ज़्यादा उम्र के लिए पाकिस्तानी के लिए भी PCR टेस्ट लाजमी होगा और ये PCR टेस्ट बोर्डिंग से 48 घंटे पहले दिखाया जाएगा। पिछले महीने इस्लामाबाद में नए कोविड वेरियंट ओमिक्रॉन के आलमी खौफ के पेश नज़र सी जनूबी अफ्रीका ममालिक के साथ साथ हांगकांग के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। दरअसल हुकूमत ने वैक्सीनेशन की कोशिशों को तेज़ कर दिया है और वैक्सीन बूस्टर शॉट्स के मैार को बढ़ा रही है। बूस्टर खुराक सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन या शहरों को भी दी जाएंगी जो या तो 50 साल से ज़्यादा उम्र है, उनका मुदाफ़ी निज़ाम बेहतर हो। तो दोस्तों ये थी अपडेट। NCOC ने फैसला कर दिया है, 15 ममालिक मजीद पर पाबंदी लगा दी और आने वाले टाइम में यूके और कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, जर्मनी, ट्रिनिडाद और अजरबैजान, मैक्सिको, श्रीलंका, रशिया, USA, UK, थाईलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, तुर्की, ये 13 ममालिक हैं, ये कैटेगरी बी में हैं, ठीक है। अभी कैटेगरी सी पर पाबंदी लगाई गई है, ठीक है। कुछ NCOC के शॉर्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं तो शायद आने वाले टाइम में ये इन पर भी पाबंदी लगा दें, ठीक है। और फिलहाल इनसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इनसे आपको जो है PCR टेस्ट और जो आपको अपना Day 2 टेस्ट है वो बुक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो पहले हम बता चुके हैं वो आपने फ़िलहाल फॉलो करनी है, लेकिन आने वाले टाइम में ये इनको भी जो है अपना रेड लिस्ट में डाल सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जैसी नई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तमाम उसमें ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स का। अल्लाह हाफिज़।